आगाज हो महाराज। काश ऐसा हो पाता। मतलब बीरबल अभी तक नहीं आया दरबार में, और हम सभी ये जानते हैं कि बीरबल के बिना दीवाने खास का कोई भी काम नहीं होता, तो इंतजार करते हैं बीरबल साहब का। आपके अंदाजे बयां में तंज की बू क्यों आ रही है बलदेव? अब महाराज मेरी ऐसी मजाल कहां, हम तो बस यही कह रहे थे कि आप महाराज के पहुंचने से पहले हम सब की तरह बीरबल को यहां मौजूद होना चाहिए था, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि हम इस दरबार में बीरबल को बहुत ज्यादा मानते हैं, उनकी कोई भी कमी उनकी कोई भी खामी हमें नजर नहीं आती, तरफदारी करते हैं हम बीरबल की, ऐसा ही कह रहे हैं ना आप? महाराज ये हम नहीं, ये पूरी दुनिया कह रही है महाराज। और ये सारी दुनिया आकर ये बात आपके कानों में फुसफुसा गई। कोई बात नहीं बलदेव, आज हम ये साबित कर देंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। जी हुजूर। इस दरबार में मौजूद हर एक साहिबान को एक एक अंडा तकसीम किया जाए। महाराज की जय हो। माफ कीजिएगा महाराज आने में। आइए 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 बीरबल, बैठो बैठो। हम जो कहना चाहते हैं वो सुनो। कल रात हमारे सपने में हमारे मरहूम अब्बा हुजूर आए। अब वो सपने में आए थे तो हमने उनसे पूछा कि वालिद साहब ये बताइए कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम ये जान पाए कि हमारे दरबार में जितने लोग हैं उनमें से वफादार कौन है और कौन वफादार होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तो अब्बा हुजूर ने कहा कि बहुत ही आसान है, आपके दरबार में जितने भी लोग शिरकत कर रहे हैं उन सब से एक एक अंडा देने के लिए कही। जो अंडा दे देगा वो वफादार, और जो अंडा नहीं दे पाएगा वो गद्दार। बात बहुत ही अजीब है, लेकिन क्योंकि हमारे मरहूम अब्बा हजूर ने कही है तो आजमानी तो होगी ही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक महाराज, आजमानी ही चाहिए। और बड़े महाराज का हुक्म सर आंखों पर। तो ठीक है, हम यह हुक्म देते हैं कि इस दरबार में जितने भी लोग हैं सब अभी के अभी एक एक अंडा देकर मुगल सल्तनत के लिए अपनी वफादारी साबित करें। अरे वाह 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 वाह, आप सभी बीरबल तुमने अंडा नहीं दिया, क्या तुम हमारे वफादार नहीं? महाराज जिस प्रकार सूरज को अपनी रोशनी और चंदन को अपनी खुशबू साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार बीरबल को अपने महाराज के प्रति अपनी वफादारी साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हुक्म बड़े महाराज का है। तो माफी चाहूंगा महाराज, मैं चाहते हुए भी अंडा नहीं दे सकता, क्योंकि ऊपर वाले परवरदिगार के हिसाब से अंडा तो केवल मुर्गियां देती हैं, और मैं तो एक मुर्गा हूं। ये देखिए कुकड़ू कू कू, इसलिए मुर्गे की तरह बांग जरूर दे सकता हूं, इन मुर्गियों की तरह अंडा नहीं दे सकता, क्षमा करें। बहुत खूब बीरबल। तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा बलदेव, हुनर को तरफदारी की नहीं कद्र करने वाले की जरूरत होती है। राजा बीरबल की जय हो। राजा बीरबल की जय हो। प्रणाम वजीरे आला। आओ भाग हमारे कि आपने हमें याद किया उस तरह खोल के। हुजूर एक नए चोटी का ख्याल आया है, आप कहें तो। चोटी छोड़ो। चोटी तो आपने पकड़ रखी हुजूर। मेरे कहने का मतलब है चोटी का जिक्र छोड़ो। जी जी फूलचंद जी, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। हुजूर आदेश कीजिए, हम अपनी जान भी दे देंगे आपके लिए। फिलहाल काम दो जी।
मेरा कहने का मतलब है कान इधर लाओ। जी 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 हुजूर, हमें माफ कर दीजिए हुजूर, ये काम हमसे नहीं होगा हुजूर, ये तो बिना उस तरह के आत्महत्या करने वाली बात हो गई हुजूर, और फिर बड़े महाराज को पता चलेगा तो हमारी बोटी बोटी करके शाही कुत्तों का भोजन बना देंगे हुजूर। अरे सोने की मुहर हुजूर, काम हुआ समझिए हुजूर, 100% हुआ हुजूर। हुजूर लेकिन ये बताइए, छोटा मुंह और बड़ी बात, आप ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं? अरे बीरबल को रास्ते से हटाना चाहते हैं। अरे वो रास्ते से हटेगा तो ही महाराज को हमारी कदर होगी। बिल्कुल सही हुजूर। हुलचंद। हाँ जी। तुम्हें हमारा ये काम करना ही होगा। जी हुजूर बिल्कुल। और मेरे खिलाफ गए याद रखना फूलचंद, तुमने शेर की सवारी की है, सवार रहे तो ही सलामत, और उतरे तो शेर का शिकार खुद हो जाओगे। वाह फूलचंद वाह, तुम्हें जन्नत नसीब हो। जी हुजूर, प्राणों का वरदान मिले तो कुछ कहूँ उस तरह खोल के हुजूर। हाँ बोलो फूलचंद बोलो। हुजूर कल सपने में आपके स्वर्गीय पिताजी के दर्शन हुए हुजूर। हमारे वालिद साहब तुम्हारे सपने में क्या कर रहे थे? हुजूर अब कुछ कहना चाह रहे थे पर क्या फूलचंद? हुजूर इसके लिए हमें पूरा सपना तनिक विस्तार से बताना होगा हुजूर। हाँ तो बताओ बताओ, हम सुनना चाहते हैं, बताओ। जी जी हुजूर, हुजूर सपने में हमने देखा कि एक घना जंगल है हुजूर, अंधेरी रात है जिसमें मैं चला जा रहा हूँ हुजूर, मैं चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। बहुत चल लिए मुद्दे पे। हाँ हुजूर, सामने हमने देखा एक आम का पेड़ है, पेड़ पर बड़े महाराज है, आम खा रहे थे, शिकार कर रहे थे, आम का, शेर का, पेड़ के नीचे शेर खड़ा था। ओह, बड़े महाराज के हाथों में भाला, दिल में तूफान, बड़े महाराज ने शेर को घूरा, शेर ने बड़े महाराज को घूरा, बड़े महाराज ने फिर शेर को घूरा, शेर ने बड़े महाराज को घूरा। बहुत गुल्ले मुद्दे पे आओ। आगे गुस्से से लाल, बड़े महाराज के, शेर की, घुटनों के बल नीचे शेर, बड़े महाराज, पूछ खड़ी हो गई, बड़े महाराज की, शेर की, फिर नीचे शेर, बड़े महाराज के हाथ का भाला, लगाई छलांग, शेर ने, बड़े महाराज ने, शेर की तरफ, पेड़ की दूसरी तरफ, फिर क्या हुजूर, बड़े महाराज वहां से फटाक से निकल लिए, हाँ एकदम भाग लिए। अब मेरा मतलब हुजूर कि बड़े महाराज मूर्ख थोड़ी थे जो कि नियत शेर पे हमला करते। तुमने सपने में बड़े महाराज को देखा या सिर्फ शेर को देखा? हुजूर आए तो बड़े महाराज थे, पीछे पीछे शेर आ गया था हुजूर, तारे प्रसंग में कुछ कहना चाह रहे थे हुजूर पर कह नहीं पाए हुजूर। हुजूर ए छोटा मुंह और बड़ी बात हुजूर, हमें किसी योग्य और काबिल व्यक्ति को जन्नत बड़े महाराज के पास भेजना चाहिए हुजूर, ताकि वहां से वापस आकर ये बता सके कि आखिर बड़े महाराज कहना क्या चाह रहे थे हुजूर उस तरह खोल के। तो बताइए आप लोगों को क्या लगता है, जन्नत जाकर वापस आना क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है महाराज, हम एक ऐसे तांत्रिक को जानते हैं जो काम कर सकता है, बस जिसे जन्नत जाना हो उसे एक चिता पर बैठाया जाएगा, तांत्रिक की तंत्र मंत्र की प्रक्रिया हो और राजगायक तानसेन अपने अग्नि सुर से चिता में आग लगाएगी, व्यक्ति जैसे ही सही सलामत जन्नत जाएगा वैसे ही सही सलामत जन्नत से वापस भी आ जाएगा। बस 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 हो गया फैसला, अब हम जाएंगे जन्नत। सही है ना अम्मी जान? हाँ हाँ बेटा जरूर जाओ जन्नत, अरे तुम्हें कौन रोक सकता है कहीं भी आने जाने से, तुम जाओ जन्नत। ये जाएंगे जन्नत। अरे जन्नत में हमें किसी योग्य और काबिल आदमी को भेजना है जिसमें हमारे वालिद से बात करने की काबिलियत हो, जो जाकर ये पता कर सके कि हमारे वालिद इस फूलचंद नाई के सपने में आए क्यों थे। तो बताइए आप लोगों में से जन्नत कौन जाना चाहेगा? महाराज इस काम के लिए अगर कोई काबिल है तो वो है बीरबल, ये अकलमंद भी है। मतलब आप अकलमंद नहीं हो, आप मूर्ख हो। चुप रहो बेवकूफ। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं बलदेव,
जन्नत जाने के लिए बीरबल से ज्यादा योग्य आदमी हो ही नहीं सकता। बीरबल तुम जाओगे जन्नत, क्या कहते हो? महाराज, ये हमारा सौभाग्य कि इतने बड़े कार्य के लिए आपने मुझे योग्य समझा। हम जन्नत जाने के लिए तैयार है महाराज, लेकिन हमें एक माँ चाहिए। किसकी माँ? महाराज, माँ से मेरा मतलब है महीना। हमें एक महीने का वक्त चाहिए। लेकिन एक महीना क्यों? ठीक है, तो ऐलान कर दिया जाए, एक महीने बाद आज ही के दिन बीरबल जन्नत के लिए रुखसत हो, पूरी आवाम के सामने इन्हें जन्नत भेजा जाएगा। नहीं महाराज, हमारे ख्याल में ये ठीक नहीं हो। आवाम में बच्चे भी होंगे, जब वो ये नजारा देखेंगे तो घर जाकर इसकी नकल करेंगे, जो उनके लिए खतरे से खाली नहीं। और वैसे भी महाराज, ये घर की बात, इसे किसी भी सार्वजनिक जगह पर करना ठीक नहीं। तो ठीक है, तो ठीक है, जन्नत जाने का कार्यक्रम मुगल महल के लोगों के बीच ही होगा। बलदेव, बीरबल को जन्नत भेजने की तैयारियां शुरू की जाएं। जी हुजूर। तखलिया, क्यों रहते इतनी जल्दी में? ये आज हम पता करके रहेंगे।